अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी पेश कर रहा हूँ इस्पायर की चौथी ट्रेनिंग। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो ट्रेनिंग हमने लॉन्च की है आपको उससे अच्छा फ़ायदा होगा। तो बड़े बेसिक लेवल से आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि ऐसे लोग जिनकी इस फील्ड से रेलिवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है या जिन्होंने कोई ड्राफ्टमैन या कोई इस तरह का कोर्स नहीं किया हुआ, वो भी इस ट्रेनिंग से फ़ायदा ले सकते। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, मार्केट में जो मेरी स्टडी है, जो मैंने देखा है, मोस्टली लोग डिज़ाइन को ट्रेस करते हैं और ट्रेसिंग करने में भी वो जिस चीज़ को जहन में रखते हैं वो ये होती है कि जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको एज इट इज़ ही बना देते हैं। कोई बंदा इस चीज़ को नहीं देखता कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, आया ये डिज़ाइन आपके डिज़ाइन के मुताबिक फिक्स भी होगा कि नहीं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक डोर का साइज़ डिफाइन किया था, उसी तरह से दोबारा से वही साइज़ यूज़ करते हैं, वही सेम सेटिंग चलेगी। अब इस पर हम कर सकते हैं, अब शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो एक जैसा साइज़ हर साइड से बड़ा हो जाएगा। मैं मूव करके इसको बाहर यहाँ पर रखता हूँ। अभी इस साइज़ को अप्रॉक्सीमेटली हमने उसके साइज़ के मुताबिक कर दिया जो हमने शीट का साइज़ रखा हुआ है। रेक्टेंगल टूल हम लेंगे, जैसे रेक्टेंगल टूल लेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप यूज़ करें और इस कॉर्नर वाले ऑब्जेक्ट स्नैप को यूज़ करें। और ये 90 साइज था, मैं यहाँ पे इसको वैसे 90 लिख के कम्प्लीट करता हूँ। क्लोज करें। अब इसको जो है हमने सेंटर में करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। अलाइन की कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम अलाइन टू मटेरियल कर देंगे। तो जैसे अलाइन टू मटेरियल करेंगे तो वो जो अभी हमने रेक्टेंगल बनाया था वो उस कैनवस के ऊपर जिसको वो मटीरियल कह रहे हैं एडजस्ट हो गया। आगे चलेंगे इस डिज़ाइन को। पहले सबसे जो अहम चीज़ होती है वो इसको स्टडी करना होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं, लॉजिकल डिज़ाइन बनाएं, ज्योमेट्रिकली उसको पहले सीखें, समझें, फिर उसको बनाने की कोशिश करें। जो नॉर्मल प्रैक्टिस आप लोगों की है या मुख्तलिफ लोगों की जो मार्केट में मैंने देखी है, वो ट्रेस कर देते हैं। ट्रेस करने के हवाले से अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ, इसके ऊपर ही लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, और आप अगर गौर करें तो ये कर्व प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ तक कर्व उसकी और आगे फिर वो फ्लैट हो रही है थोड़ी। तो ये ज्योमेट्रिकली ये डिज़ाइन अब ठीक नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर है, पता नहीं कहाँ से कब ली गई, कितने लोगों ने इसको यूज़ किया और कहाँ से कहाँ तक ये लो रेजोल्यूशन में यहाँ तक पहुँची। तो बजाय कि हम उसको ही देखते रहें और उसी को ट्रेस करके अपने डिज़ाइन की खूबसूरती ख़त्म करें, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा जब भी डिज़ाइन बनाएं ज्योमेट्रिकली बनाएं, ज्योमेट्री को समझें, ज्योमेट्री को पढ़ें, ज्योमेट्री के साथ डिज़ाइन बनाएं, आपके डिज़ाइन में मेच्योरिटी होगी और खूबसूरती होगी। मेरी इंशाल्लाह ताला जितनी भी एक्सरसाइज होंगी मैं कोशिश करूँगा कि उनको ज्योमेट्री से ही ड्रॉ करवाऊँ ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ सके। आगाज़ करते हैं अपनी इस असाइनमेंट का। यहाँ पे सबसे पहले इसके साइड पे हम बॉर्डर देंगे, वो 4 इंच देना चाहते हैं, 5 इंच देना चाहते हैं, तो आपने आउटलाइन को सेलेक्ट करना है, ऑफसेट को यूज़ करना है और इन वर्ड पे उसको मैं 5 इंच कहता हूँ ऑफसेट करना। उसने 5 इंच ऑफसेट किया, आपकी मर्जी है, इसको जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैं फिर इसके लिए एक लाइन लगाता हूँ। देखिएगा, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक लाइन तो लगा दी, लेकिन अब इसकी पोजीशन नहीं हमारे सामने कि इसकी पोजीशन क्या। ट्रांसफार्म के थ्रू मैं इस लाइन को मूव करवाता हूँ, ट्रांसफार्म का टूल, और मैंने इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रखा। मूव की कमांड यूज़ करें। मूव की कमांड में जैसे आप आएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट बेसिकली होम पोजीशन से उसकी वैल्यूज़ को मूव करवाएगा, यानी होम पोजीशन वो जो हमने उसका एक्स वाई और जी जहाँ पे ज़ीरो रखा हुआ वो उसका ओरिजिन या होम पोजीशन कहलाता है। आप इसको यहाँ पर कर लें रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है कि जहाँ पर पड़ा हुआ है वहाँ से उसको आगे ले जाना है। मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे 5 इंच शिफ्ट करना चाहता हूँ, को नीचे 5 इंच शिफ्ट करना चाहता हूँ। ये है क्या बेसिकली, इसको ज़रा समझिएगा। ये बाउंड्री तो हमने लगा दी हुई है इस तरह से। अब इसके ये वाले जो कॉर्नर हैं जो राउंड हुए हुए हैं, हमने इनको बनाना है। तो यहाँ से अगर मैं नीचे तक का फासला देखूँ तो वो 4 इंच या 5 इंच का फासला होगा। आप इसको यहाँ पे वाई की साइड पर मूव करवाएंगे, यानी ये नीचे वाली साइड जो होती है या अप डाउन इस तरह से जो पोजिशन होती है, ये वाई एक्सिस की पोजिशन होती है। इस साइड पे जो मूवमेंट होती है वो एक्स एक्सिस की मूवमेंट होती है। तो मैं वाई के ऊपर उसे -4 में करता हूँ। -4 में उसे जैसे मैं करूँगा
तो ड्राइंग को भी सामने करें और अप्लाई किया तो उसने नीचे की तरफ उसको 4 इंच जो है वो मूव कर दिया। मैं इस लाइन को क्लोज करूँगा, ये मेरे पास एक रेफरेंस बन गया। इस रेफरेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं और गाइडलाइन लगा के इस रेफरेंस को डिलीट कर दें। अब बहुत एक टेक्निक छोटी सी देने जा रहा हूँ, आपके काम आने वाली चीज़ है। आपने ड्रॉ करनी है एक पॉलीलाइन। पॉलीलाइन मैं कैसे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बाहर से लिया यहाँ तक, यहाँ से इसके मिड तक, ये देखिए ये मिड उसने लिया, और फिर इस एज तक, और यहाँ से इस एज तक। राइट क्लिक करके लाइन को क्लियर करें। अब ये हमारे पास, अगर मैं इस लाइन को डिलीट करूँ, ये लाइन जो है मैंने यहाँ वापस छोड़ी, तो ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट इतना आपके सामने मौजूद है। अभी जो फीचर यूज़ करने जा रहे हैं वो है फिट टू कर्व का। यहाँ पे देखें हमारे पास कर्व फिट के नाम से कमांड अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसको मैंने स्टाइलर में जाके सर्कुलर आर्क रखें। इसको शेप के कॉर्नर को कीप करने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंच उसका टॉलरेंस दिया और आप इसको प्रीव्यू करके देखें। जैसे ही आपने प्रीव्यू किया तो गौर कीजिएगा कि उसने ओके करके मैं बाहर आता हूँ तो ये आपकी बेस थी, इसको मैंने रिमूव किया, इसकी जगह पे उसने ये फिट कर्व एक बना ली। अब देखिए ये वो टेक्निक्स हैं जो नॉर्मली आपको कहीं से नहीं मिलेंगी, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएंगी जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी गौर तलब है, मैं मैनुअली भी कर सकता था लेकिन आपको बताने के लिए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ से आप उसका साइज चेक कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये है कि आप उसकी डायमेंशन ले लें। ये डायमेंशन टूल से मैंने उसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमेंशन उसे कही, तो गौर कीजिएगा ये उसने डायमेंशन 32 इंच की डायमेंशन दे दी। ठीक है, इस 32 इंच की डायमेंशन को मैं यहाँ पे एक मुझे वैल्यू जस्ट चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे ले ली। दूसरा तरीकाकार इसको चेक करने का ये था कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे स्केल जो टूल है हमारे पास यानी सेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको आप चेक करें और यहाँ पे उसके वेट उसने बता दी कि इसकी वेट 32 इंचेस है और हाइट इसकी वाई साइड पे 80 इंचेस है। तो 32 ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को भी मैं 32 करूँगा ताकि ये एज इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे एक्स वाई के लिंक को ऑफ कर दें, ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी पड़ा हुआ है सेंटर बेस्ड ही उसका यहाँ से 32 साइज कर दें, हाइट एज इट इज 4 ही रहेगी, इसको अप्लाई कर दें। तो आपने देखा वो डिज़ाइन यहाँ पे ऐसे अप्लाई हो गया। क्लोज करके मैं बाहर आता हूँ तो देखें उसके मुताबिक उसका डिज़ाइन बन गया। इस डिज़ाइन की एक कॉपी लें या यहाँ पे देखें मैं मिरर की कमांड यूज़ करूँगा और क्रिएट अ मिरर कॉपी कह दूंगा और इसको यहाँ पे मैंने बॉटम कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मिरर में ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके समझने के लिए ये ध्यान में रखिएगा। ये हमारे पास 2-3 तरीके के इसमें फीचर मौजूद हैं। उसने यहाँ पे देखिए एक मास्टर ऑब्जेक्ट रखे, उसका मिरर इधर लिया, मिरर इधर लिया, मिरर ऊपर लिया, मिरर नीचे लिया, यानी 4 साइड पे उसने उसका मिरर लेके प्रीव्यू दिखाया हुआ है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब ऑब्जेक्ट को मिरर करवाते वक्त 2 तरह से होगा, एक ऑब्जेक्ट अपनी लेआउट से मिरर होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पॉइंट से मिरर होता है, वो हॉरिजॉन्टल में कर लें या वर्टिकल में कर लें। तीसरा होता है कि हम ऑब्जेक्ट के साथ एक सेंटर लाइन डिफाइन कर दें, वो उस सेंटर लाइन से ऑब्जेक्ट को फ्लिप करवाएगा या मिरर करवाएगा। तो फिलहाल अभी हम इस कमांड को कंटिन्यू करते हैं कि जैसे ये देखें उसने इस ऑब्जेक्ट के एंड से मिरर लिया, तो बॉटम साइड पे मैंने एंड पे मिरर लिया, तो देखें उसने आखिरी सिरे से नीचे मिरर कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये नहीं करता, मैं ये करता हूँ, तो देखें उसके सेंटर से उसने मिरर कर दिया। हम इस तरह से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आपको कमांड बताना मकसद था वो मैंने बता दी। इसको मैं यहाँ पे, अगर मैं इसकी क्रिएट अ मिरर कॉपी ऑफ कर देता हूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट को ही मिरर कर देगा, जो कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें उसकी कॉपी भी चाहिए। तो कॉपी के लिए मैंने उसे बॉटम पे किया और शिफ्ट को होल्ड करें, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें और अलाइन की कमांड यूज़ करें। अलाइन की कमांड के साथ मैंने उसे बॉटम पे अलाइन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा कि ये मैंने आउटर साइड एज सेलेक्ट कर लिया, मुझे इनर साइड एज सेलेक्ट करना,
आउटर करेंगे तो उसके बाहर वाली साइड पे अलाइन करेगा, इनर करेंगे तो इन साइड पर अलाइन करेगा। तो इस तरह से हमने उसको अलाइन कर दिया। हमारे पास ट्रिम की कमांड मौजूद है, मैंने ट्रिम की कमांड को सेलेक्ट किया, ये वाली साइड ट्रिम की, ये वाली साइड ट्रिम की, ये इजाफी लाइनें मैंने ट्रिम कर दी। तो इस तरह से मेरे पास ये वाली एक शेप क्रिएट हो गई। नॉर्मली अगर आप कर्व बनाने बैठेंगे तो कभी भी, ये मैंने जेड के साथ उसका जूम ले रहा हूँ, ये दो ऑप्शन जो है हमारे सामने जूम है, अगर आप इसको ट्रेस करने बैठ दें तो कभी भी आप इतनी स्मूथ आर्क नहीं बना सकते थे। देखिएगा जो गोलाई यहाँ से टेंजेंट होके यहाँ तक आ रही है, आगे उसी टेंजेंसी को कंटिन्यू करके यहाँ तक भी ला रहा है। अब ये उसकी टेक्निकली नेचुरल डिज़ाइन है, आपने उसकी टेक्निक को यूज़ करके ये डिज़ाइन बनाया, इसमें एरर नहीं हो सकता। सो ये चीज़ आपके समझने के लिए थी, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाए, हमने ये वाला जो इसके अंदर डिज़ाइन है आर्क की मदद से डिज़ाइन बना हुआ, हमने इस डिज़ाइन को बनाया है। गाइडलाइन ले, इसके मिड वे रखें, ये मैंने मिड वे लाइन रखी, इधर से गाइडलाइन लें और इसके मिड वे रख दें, ऑटोमेटिकली आपको मिड शो करवा देता है। मैंने यहाँ पे एलिप्स लिया इस कॉर्नर से यहाँ पे, और फिर मैंने थोड़ा सा इसको लंबा रखा और यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे मिरर की कमांड यूज़ करूँगा, ये मिरर की कमांड ली और इसको कॉपी ली अपसाइड पे, कॉपी इस ऑब्जेक्ट की ली मैंने बॉटम साइड पे, हमारे पास ये भी और ये भी आर्क बन गई है। क्लोज करें, इन तीनों को आप इकट्ठा सेलेक्ट करके इनके ऑफसेट बनाएं। अब देखना यह है कि ये वाली जो पट्टी दरमियान में चली हुई है, वैसे तो ज्योमेट्रिकली या मतलब टेक्निकली मैं इसको देखूँ तो बहुत बारीक है, मैंने डिज़ाइन को देखना है, आपने डिज़ाइन के साथ साथ क्वालिटी भी देनी है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैंने ऑफसेट की कमांड यूज़ की और इसको बहुत साइड पर बोला, यानी इन सर्कल्स को मैं बतौर सेंटर लाइन यूज़ करूँगा और इससे आगे ऑब्जेक्ट ऑफसेट करवाऊंगा मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ, क्योंकि ये जो दरमियान में पट्टी है ये हमें 2 इंच की पट्टी चाहिए, तो मैंने उसे कहा कि 1 इंच ऑफसेट करे इनसाइड पे और 1 ऑफसेट करे आउटसाइड पे, यानी बोथ साइड मैंने किया। ये मैंने जैसे ही इसको ऑफसेट किया तो ये देखिएगा उसने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया। अब इस चीज़ को हमने आगे मिरर भी करवाना है। देखिए इसमें से मैं इनसाइड पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब हमारी ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट रेफरेंस के लिए था, डिज़ाइन हमारा बन गया। मैं यहाँ से इसको ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा और इसकी कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इस पॉइंट से पकड़ के मैंने इसके सामने वाले पॉइंट पे रख दिया, ये देखें ये आपके सामने। उसके बाद इस एरिया में आ जाए और इस एरिया में आप देखें कि यहाँ से डिज़ाइन में इस टेंजेंट के साथ सीधा किया हुआ है, जबकि डिज़ाइन यहाँ से अंदर टर्न हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, लाइन की कमांड लें, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन जो है वो सीधी बाहर निकाल लें। इसी तरह से दोबारा से मैं लाइन लेता हूँ, इस इंटरसेक्शन में से मैंने लाइन बाहर निकाल ली, इसी तरह से यही लाइनें उधर भी लगेंगी, उधर मैं नए से फिर लाइन लगाता हूँ। यहाँ से इंटरसेक्ट ये देखें, इसको मैं मूव करवा के थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि आपको क्लियरली डिज़ाइन नज़र आ सके। ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे, सबसे पहले इस साइड पे आ जाए, ये अंदर वाली लाइनें मैंने ट्रिम कर दी और इनको भी यहाँ से ट्रिम कर दी। होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी, मैं बहुत स्लोली काम कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें।
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए डिलीट कर दिए, इधर से भी सिलेक्ट किए डिलीट कर दिए। अब ये जो उसकी थोड़ा सा इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमने चूँकि ज्योमेट्रिकली काम किया तो हमें इन गाइडलाइनों की ज़रूरत उस तरह से नहीं है, हमने अपने तरीके से कर लिया। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यानी इसको ड्रैग करके बाहर फेंका, ट्रिम की कमांड यूज़ करें और इन दो लाइनों को भी आपस में ट्रिम कर दें। अच्छा ये देखें, यहाँ पे इनको भी ट्रिम करना है हमें। अंडो करें, ये अच्छा। अब इस तरह की जैसे कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ये डबलिंग हुई हुई है, देखें नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको मैंने डिलीट किया। अब एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, ये देखें। जब भी कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आए तो लाजमन उसको एक्सप्लोर करें, वहाँ पे कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे ऐसी है जो उसके स्टैंडर्ड को आउट कर रही है, जो उसकी टेक्निकलिटीज़ में फ़र्क डाल रही है। अभी वरना सॉफ्टवेयर ऐसी गलती नहीं करता। अब अगर अभी वो ट्रिम में वो प्रॉब्लम कर रही थी, इसका मतलब है कहीं पे हमने को गलती की हुई है, तो वो एक छोटा सा वहाँ पे पार्ट पड़ा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये डिज़ाइन बन गया। अब ये डिज़ाइन भी आपके सामने है, ये डिज़ाइन भी आपके सामने है, अप्रॉक्सीमेटली शेप सेम है। थोड़ा सा अगर साइज़ की वजह से वेरिएशन आ रही है तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप यहाँ पे इसके साइज़ को बड़ा छोटा जैसे चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए हर चीज़ प्रॉपर सर्कुलर है, कर्व है, दरमियान में उसकी जो पर्सियन है बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। इसके क्वालिटी और मजबूती के लिहाज से ये बेहतरीन डिज़ाइन है। आप इस पट्टी को इससे चौड़ा भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने 2D डिज़ाइन एक और आज बना लिया सर्कल की कमांड को यूज़ करते हुए। आज की हमारी इस एक्सरसाइज में जो कमांड यूज़ हुई हैं वो एक दफ़ा उनको रिव्यू करते हैं। हमने एलिप्स की कमांड को यूज़ किया, रेक्टेंगल की कमांड को यूज़ किया, उसके बाद हमने उसके स्केल को यूज़ किया, मूव को यूज़ किया, मिरर की कमांड को यूज़ किया, इसी तरह से अलाइन की कमांड को यूज़ किया, हमने ट्रांसफॉर्म कमांड को यूज़ किया, ऑफसेट की कमांड को यूज़ किया, और सबसे अहम जो एक कमांड हमने पढ़ी वो हमने फिट टू कर्व पढ़ी, यानी कर्व फिट जो थी वो कमांड हमने इसमें पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे और इसके लिए अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर आप लिखेंगे, ताकि आप लोगों तक हम मज़ीद बेहतर वर्क और बेहतर एक्सरसाइज भी लेके आते रहें। आप लोगों को अगर इसकी ज्योमेट्री और इस एक्सरसाइज के हवाले से किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।